हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट जो कि आया है रेलवे की तरफ से। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ रेलवे की ग्रुप डी के अंदर रिक्रूटमेंट, इसके अलावा ग्रुप सी के भी पोस्ट निकाल के आया जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह से एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 26 अप्रैल 2023, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 25 मई 2023 तक। तो यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज आप लोगों को अभी बता देता हूँ। बेसिकली रेलवे की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है रेलवे गुड्स सीट्स वर्कर्स वेलफेयर कॉरपोरेटिव सोसाइटी की तरफ से, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। द फर्स्ट पोस्ट नेम इज़ जूनियर टाइम कीपर। 10th पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। 28,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा एंड 1,676 वैकेंसीज भी यहाँ पे निकल के आया है। सेकेंड पोस्ट जो है, और इसमें सिंपल आपको 10th पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते। ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है, और एज क्राइटेरिया आप लोगों को तीनों में ही सेम रहने वाला है, 18 से 34 ईयर। और यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए 18 से 34 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। इसके अलावा आपको यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिलेगा अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो। इसके बाद आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। 12th पास, 34,908 वैकेंसीज निकल के आया है। तो यहाँ पे इसको भी चेकआउट कर लेना अगर इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो। 12th पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते। इसके बाद आता है थर्ड पोस्ट जो कि है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ यूनिवर्सिटी डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन पास करने वाले भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो इसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर के लिए 606 वैकेंसीज है, 40,000 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद आप लोग अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो उनके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बेसिकली एप्लीकेशन किस तरह से करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी आपको उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते जो एज क्राइटेरिया 18 से 34 ईयर्स, और यहाँ पर एज रिएक्शन की अगर बात किया जाए, OBC के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स, एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 3 to 5 ईयर्स, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स। एंड इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स तक आपको एज रिएक्शन मिलेगा। इसके बाद नीचे जाने के साथ साथ आपको एज एग्ज़ाम फीस भी मिलेगा। जनरल OBC के लिए 750 रुपीज़ फॉर PWD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विस मैन SC ST माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए 500 तक आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो नीचे दिया हुआ लिंक को जाके क्लिक करके यू कैन सबमिटेड योर एप्लीकेशन। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।